और अब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की बात करते हैं, जो इस बार बेहद ही अलग मोड़ पर है। बहुमत के करीब बाइडेन नजर आ रहे हैं, लेकिन ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप संकेत भी दे चुके हैं कि वो व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर बाइडेन क्या करेंगे। इस रिपोर्ट में हम आपको इसका विश्लेषण तो दिखाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि बाइडेन कानूनी चुनौती के बावजूद प्रेसिडेंट बनने के लिए इतने आश्वस्त कैसे नजर आ रहे हैं। देखिए, इस बार अमेरिका में लोकतंत्र के त्योहार की सबसे अलग तस्वीर है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पड़े वोटों की गिनती में दिन रात एक हो रहे हैं। बढ़त तो डेमोक्रेट जो बाइडेन ने बना ली, लेकिन सुपर पावर की कुर्सी पर काबिज कौन होगा, इस बहस पर लड़ाई नॉनस्टॉप जारी है। फाइनल ऐलान से पहले अमेरिका में इतिहास का पहला संकट उभरने की आशंका है, क्योंकि ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं और बाइडेन सेना अपनी जीत तकरीबन तय मान चुकी। इस रस्साकशी में सबसे बड़ा संकेत यह है कि ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो फिर बाइडेन क्या करेंगे। ट्रंप बाइडेन की जंग, यूएस इलेक्शन से दुनिया तक। ट्रंप ने पढ़ाई मुश्किल, व्हाइट हाउस होगा सील। ट्रंप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अब बाइडेन क्या करेंगे। प्रेसिडेंट बनेंगे बाइडेन या ट्रंप जीतेंगे जंग। अमेरिका की इलेक्टोरल प्रोसेस और पद न छोड़ने के हालात महाशक्ति राष्ट्र के इतिहास में पहली बार बन रहे हैं। बाइडेन जीत के करीब हैं, लेकिन ट्रंप तकरीबन तय कर चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में व्हाइट हाउस नहीं छोड़ेंगे, और इसके लिए उन्होंने हर दाव पेच आजमाने की तैयारी कर ली। शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के रुख से होगी और 20 जनवरी तक उथल पुथल जारी रहेगी। ये कैसे होगा, ट्रंप अपने मकसद में कैसे कामयाब होंगे और बाइडेन क्या कर सकते हैं, इसका पूरा विश्लेषण देखिए। दरअसल ट्रंप वोट की काउंटिंग में फ्रॉड की शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। हालांकि इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, खर्च की, क्योंकि इस बार डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन से ज्यादा फंड मिला है। लेकिन कानूनी लड़ाई जारी रहने तक ट्रंप व्हाइट हाउस में बने रह सकेंगे। उधर बाइडेन भी अपनी लीगल फौज के साथ कानूनी दांव पेच आजमाएंगे और कोर्ट का फैसला मानेंगे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हालात ट्रंप के अनुकूल हो सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 6 जज रिपब्लिकन हैं। इसके उलट सुप्रीम कोर्ट के 3 जज डेमोक्रेट हैं। कोर्ट का फैसला ट्रंप के फेवर में हो सकता है। ऐसा हुआ तो ट्रंप फिर व्हाइट हाउस में ही रहेंगे। लेकिन अमेरिका के जटिल इलेक्टोरल प्रोसेस में इसकी संभावना कम है, इसलिए एक और स्थिति ट्रंप की जिद पर अटकी है, जिसमें ट्रंप अगर हारने के बाद भी अपने पद से नहीं हटते और व्हाइट हाउस पर कब्जा जमाए रखते हैं तो बाइडेन के पास क्या विकल्प होंगे। लेकिन अफसोस, इस सवाल का जवाब ना तो अमेरिकी संविधान में है और ना ही जो बाइडेन के पास। अलबत्ता एक अधिकार बाइडेन के पास होगा जो ट्रंप को जबरदस्ती व्हाइट हाउस से बेदखल कर सकता है। व्हाइट हाउस पर संविधान में कोई बात नहीं कही गई। यूएस संविधान ट्रंप को व्हाइट हाउस से बेदखल नहीं करेगा, लेकिन नया राष्ट्रपति सीक्रेट सर्विस का इस्तेमाल कर सकता है। सीक्रेट सर्विस को निर्देश देकर व्हाइट हाउस खाली होगा, यानी ट्रंप ने अगर व्हाइट हाउस को खाली ना करने की जिद पकड़े रखी तो उन्हें बाइडेन के जीतने के बाद सीक्रेट सर्विस की सख्ती को झेलना पड़ सकता है। और इसके संकेत नतीजे आने से पहले साफ तौर पर मिलने लगे हैं, क्योंकि इस वक्त बाइडेन ट्रंप से बहुत आगे हैं। इस स्थिति में उन्हें प्रेसिडेंट जैसी सिक्योरिटी के साथ साथ वो सुविधा मिलनी शुरू हो चुकी है जो अमेरिका के ट्रंप राज के खात्मे की तस्वीर दिखा रही है। यूएस सीक्रेट सर्विस ने बाइडेन की सुरक्षा बढ़ा दी। बाइडेन के घर सीक्रेट एजेंट का दस्ता पहुंच गया है। बाइडेन को प्रेसिडेंट का सिक्योरिटी कवर मिल रहा है। उनके घर के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित हो चुका है। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है, और ये संकेत हैं कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डेमोक्रेट जो बाइडेन ही होंगे। लेकिन चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद भी पेच सुप्रीम कोर्ट में फंस सकता है, जहां से हरी झंडी मिलते ही ट्रंप को तय तारीख 20 जनवरी तक व्हाइट हाउस से विदाई लेनी होगी और बाइडेन उनकी जगह काबिज होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।